मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर नई गढ़ी में गत दिवस किशोरी से हुए दुष्कर्म में अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के विषय में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए, उनके मकानों व संपत्तियों को नेस्तनाबूद करें तथा जघन्य अपराध में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए व उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का कार्य हो ताकि यह उदाहरण बने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि की गई कार्यवाही की प्रति दिवस रिपोर्ट भी उन्हें प्रेषित की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि अपराध में लिप्त 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, शेष एक अपराधी भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए उनके घरों को ध्वस्त किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी दी कि दुष्कर्म के आरोपियों के घरों को जमींदोज किया गया तथा उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त अपराधियों के विरुद्ध अन्य कार्यवाहियां भी की जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, एसडीएम एपी द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल, एसडीओपी नवीन दुबे उपस्थित रहे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।